नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर में हुई उस शर्मनाक और खौफनाक घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, जब से नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ क्या कुछ हुआ उस पर लगातार पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी है। ऐसे बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा कदम सामने आया है। जहां आपको बता दें कि पहले ही सीएम अशोक गहलोत कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और अब परिवार को लेकर यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला है कन्हैयालाल के दोनों बेटों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आपको बता दें अशोक गहलोत ने ये ऐलान किया है कि कन्हैयालाल के दोनों बेटों की राजकीय सेवा में नियुक्ति की जाएगी। इस फैसले पर अब गहलोत सरकार मोहर लगा चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है। जी हां, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की घटना में कन्हैयालाल के पुत्र दोनों बेटों को राजकीय सेवा में नियुक्ति लेने का फैसला किया गया है, जिसके बाद अब अशोक गहलोत के इस फैसले की बहुत ही ज्यादा सराहना की जा रही है। इसमें अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नियुक्ति के लिए नियमों में स्थिरता दी गई है। ये नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा में की जाएगी। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कन्हैयालाल के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की थी, उनके बेटे यश से नौकरी देने का वादा किया था और जिस पर अब अमल करते हुए अशोक गहलोत ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। लगातार जब से राजस्थान में ये घटना हुई है, लगातार सीएम अशोक गहलोत पर विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है राजस्थान सरकार की ओर से। आपको बता दें, हाल ही में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद कन्हैयालाल के परिवार के घर पहुंची, वहां पर उनसे मुलाकात की और साथ ही पूरे परिवार को सांत्वना दिया। इस बीच वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत को लेकर भी यहां पर बयान दिया कि इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है। जी हां, जिसके बाद अब उदयपुर की गंभीरता, उदयपुर में हुई इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ा निर्णय ले लिया है, जिसके बाद अब कन्हैयालाल के परिवार यानी कि उनके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनकी वहां पर नियुक्ति की जाएगी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है कि अशोक गहलोत ने जो फैसला लिया है कितना सही है और आखिरकार इस फैसले को लेने में इतनी देरी करने के पीछे की वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। नमस्कार।